खूबसूरत नज़ारा है यार। डैम और देखिए आज का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं डेली व्लॉग्स। डेली व्लॉग के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आए थे, मेरे गोप्रो का माइक से आवाज़ नहीं जा रहा था, तो हम आए यहाँ पे जहाँ से हम लिए थे माइक, वहाँ उस दुकान में आए, वहाँ पे बैटरी चेंज करवाए। प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा था, बहुत क्या बोले, बहुत इजी प्रॉब्लम था और बहुत इजी सॉल्यूशन था, बट पता नहीं चल रहा था कि मेन प्रॉब्लम क्या है। तो चेंज करवाए, अभी जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसको चाहिए सेकेंड हैंड टायर, उसके पास अभी बजट नहीं है नया का, इसीलिए वो लगवा रहा है सेकेंड हैंड टायर। तो चलते हैं, देखते हैं कितने तक में मिलता है। तो अभी हम हैं मेन रोड में और अभी हमको पता चला है यहाँ करबला चौक में मिलता है सेकेंड हैंड टायर, तो वहीं पे चलते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। के सेकेंड हैंड टायर का शॉप में, जो कि है हाजी में, न्यू झारखंड टायर्स में, यहाँ पे सेकेंड हैंड टायर्स मिल जाता है। अच्छा, अभी जहाँ तक हम सुने हैं कि इसको यहाँ पे अच्छा क्वालिटी में मिल जाता है, ठीक ना, अच्छा क्वालिटी प्लस अफोर्डेबल प्राइस में सेकेंड हैंड टायर और कम चला हुआ मिल जाता है, इसीलिए अब देखते हैं। आप लोगों को टायर मिलने के बाद बताया जाता है। वैसे ये वो गाड़ी है जिसका हम लोग सेकेंड हैंड टायर ले रहे हैं, इसका पूरा ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं टायर का ग्रिप एंड कंडीशन देख के बताते हैं कि प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है। हाँ दे दिए। फिर छाटने के बाद हम लोग ये वाला टायर पसंद किए हैं, इसमें बहुत सही ग्रिप है ना, और ये है TVS का, आई थिंक हाँ TVS का ही टायर है और 130 साइज है। तो सेकेंड हैंड है तो फिर कुछ पंचर भी है, दो तीन पंचर भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सेकेंड हैंड है और पंचर ना हो, बट कंडीशन सही है और अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो हाजी के बगल में ये न्यू झारखंड टायर्स का सेकेंड हैंड मार्केट है टायर्स का, तो यहाँ आप आ सकते हैं और लगवा सकते हैं। तो फाइनली लग गया टायर और काफ़ी सही लग रहा है यार, मतलब है बहुत ज़्यादा ही ग्रिप है, सही लग रहा है और ठीक है। अब देखते हैं चलाने के बाद ये लोग रिव्यू दिया जाएगा कि कैसा ग्रिप है, क्योंकि थोड़ा पुराना है बट सही है। तो लग रहा है टायर इंस्टॉल हो चुका है रिम में। तो टायर लग गया है और हम लोग, जब तक टायर लग रहा था हम लोगों ने कुछ खा लिया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे यार। तो चलते हैं अब 89, वहाँ पे माजिद भैया बुला रहे थे, वहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं थोड़ा देर, उसके बाद फिर चला जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा डेली व्लॉग्स को। देख रहा दोनों का वाइजर नहीं है। कुछ नहीं, निकल चुके हैं 89 से भी और हम लोग हैं अभी रिंग रोड में। तो कुछ तो जाना था हम लोग को मांडर, मेरा घर तो वहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो इसीलिए चलते हैं मांडर की ओर और हम लोग रिंग रोड से ही जाते हैं। कभी भी अगर 89 आते हैं तो फिर रिंग रोड ही हम प्रीफर करते हैं यार, क्योंकि रातू रोड साइड से गए तो एक तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और प्लस इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा ना कि मतलब गाड़ी चलाने का तो मन ही उब जाएगा यार, कि कैसे जाए, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं। इसीलिए इधर से जाते हैं, खाली रहता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है बट कम से कम वहाँ टाइम वेस्ट तो नहीं होगा मेरा कि दो घंटा रुकना पड़े उतना जाम में, इसीलिए अभी रिंग रोड में ही है। अभी टिपूदाना वाले रिंग रोड में है, बट हम टिपूदाना वाला ये रिंग रोड थोड़ा मतलब गड्ढा है, कुछ ज़्यादा ही गड्ढा है यार इसमें, और अभी का तो व्यू बहुत सही आ रहा है, देखो देख लीजिए आप ही, बहुत सही लग रहा है यार यहाँ से, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। क्या
क्या खूबसूरत है। आने का तो हम लोग सीधा रिंग रोड भी जा सकते थे, बट सोचे थोड़ा चलते हैं धुरवा साइड, नज़ारा देख के आते हैं। जब रिंग रोड का इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है तो डैम का भी थोड़ा खूबसूरत नज़ारा देख लेते हैं। सर्दी हो गया यार, क्या ही करें। ध्रुआ पहुंच गया है, तो गाइस पहुंच गया ध्रुआ डैम। और देखिए आज का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सही दिख रहा है यार, क्या ही बोले, फिदा हो गया इससे नज़ारे के लिए, पूरा खतरनाक दिख रहा है। बहुत सही व्यू लग रहा था, इसीलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, हो गया, ज़्यादा दूर रुकना नहीं है क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर मम्मी डांटेगी, इसीलिए चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पूरा धूप निकला हुआ था, अभी तो पूरा अंधेरा हो गया ऐसा लग रहा है, तुरंत सूरज डूब गया। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खतरनाक व्यू था यार, कुछ देर पहले अगर इधर आते ना तो बहुत सही व्यू था, उधर भी बहुत सही व्यू था, इसीलिए हम वहीं रुके। देख रहे हो भाई, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सही जगह है। अगर आप लोगों को भी फैमिली टाइम स्पेंड करना है तो आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग रांची में रहते हैं तब तो पता ही होगा ध्रुआ डैम किस साइड है, और नहीं रहते हैं तो फिर DM करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ में पिघल गया। खतरनाक पब्लिक रिएक्शन था यार, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना और बताना कि आप लोगों को मेरा बाइक कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में। चुका है ध्रुआ से, फिर हम लोग रिंग रोड पकड़ लिए हैं, अब यहाँ से सीधा रुकना है अपने घर। पता नहीं हम लोग के दो साथी कहाँ रह गए। अंधेरा हो रहा है तो जल्दी पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे काठीटाड़, तो और बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है, तो हम लोग सोचे कि चलते हैं आराम से, अब कोई स्पीड में जाके कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अंधेरा में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है बाइकिंग करना, क्योंकि अगर स्पीड में जाओगे और अचानक कुछ मतलब जानवर आ गया रास्ते में तो फिर तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाइक को, इसीलिए हम लोग आराम से ही जाएंगे अब। तो आज का व्लॉग को करते हैं एंड। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा,
और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।